What's up gamers, I'm back and this time हमारे साथ जुड़े हैं one of the famous IGL Bhavin Kotwani aka HellrangeR. HellrangeR, please audience को अपना introduction दीजिए. Hi guys, my name is Bhavin Kotwani. My in-game nick is HellrangeR and I play for Global Esports and I am the IGL and the captain of the team. Starting में HellrangeR, ये first of all nick कहाँ से आया? मैंने CS मेरे भाई की वजह से खेलना चालू किया था. Actually 1.6 and तभी nicknames होते थे. तो मतलब सबका nickname होता था of course. मुझे मालूम नहीं था उसका idea नहीं था. तो मैंने मेरे भाई को बोला randomly कि कुछ भी name डाल दे. मेरे को पता नहीं पर कुछ अच्छा खड़ा डाल. तो अब उसने HellrangeR डाला और तब से आई थिंक 8-9 साल से वही नाम रखा है, कभी चेंज नहीं किया. तो अभी रिसेंटली रोस्टर शफल के बाद आपको ग्लोबल के साथ एक वो मिला मौका एंड अब ये टीम कैसे बनी? अब बिल्कुल नए प्लेयर्स के साथ आप खेले, से पहले शायद इनके साथ नहीं खेला? नहीं, साथ में कभी नहीं खेला, अगेंस्ट सबके खेला था मैं. तो एक्चुअली मैं ग्लोबल के पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला था बट नोइंग दैट ग्लोबल इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई न्यू ऑल द प्लेयर्स देयर सो आई डिसाइडेड टू जॉइन ग्लोबल एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन. सो आई नो मैं प्लेयर्स के साथ खेला नहीं था बट सबको जानता था ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि इवन दो जानते नहीं हो बट इवेंट्स में सब मिलते हैं, CS के बारे में कॉन्वर्सेशन होती है तो हर एक प्लेयर कैसा है, उनका गेम का थिंकिंग क्या है, नॉलेज क्या, आपको पता रहता है. तो हाँ, वो एक कंफर्टेबल लेवल पे रहता है कि इफ यू नो कि सबका गेम का थिंकिंग सेम है. तो दैट वाज अ वेरी इजी डिसीजन फॉर मी टू जॉइन. एंड ये जो ऑनलाइन फेज था आपका, फेज वन फेज टू, ये कैसी जर्नी रही ग्लोबल प्लेयर? रॉकी थी बट एक्सपेक्टेड थी बिकॉज नए प्लेयर है. डोंट टेल मी आपने भी प्रैक्टिस नहीं करी? बिकॉज नहीं, ऑफकोर्स वी प्रैक्टिस बट सी आउटसेट से बोलना बहुत ईजी है कि हम लोग के 4 लॉसेस थे या हम लोग के 3 लॉसेस थे या हम लोग इन लोग से हारे. प्रैक्टिस करना एक बात होती है, ऑफिशियल मैच खेलना एक बात होती है. उसमें आपको एक्चुअल में मिस्टेक्स मालूम पड़ते हैं कि प्रैक्टिस में आप जो कर रहे हैं मे बी वो काम किया तो सब सही लगता है बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ओपोनेंट टीम कुछ अलग कर रहा है, यू आर फेसिंग डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनारियोज और यू आर मेकिंग मिस्टेक्स विच यू डोंट डू इन प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आता है. एवरीथिंग हेल्प्स मेंटली एंड इन गेम वाइज वी ऑल हैव ग्रोन एज प्लेयर्स इन द लास्ट 2 मंथ्स. तो ये तो रहा हमारा ऑनलाइन फेज, अब ये लैन फाइनल. लैन फाइनल पे आपके साथ 3 टीम्स और हैं, आपकी नज़र में सबसे बड़ा आपके लिए टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? कोई नहीं, बिकॉज एट दिस पॉइंट जो सिचुएशन चालू है इंडिया में कोई भी किसी को हरा सकता है. जैसे आपने बोला कि सर्कल चालू है जब मैं और आप बात कर रहे थे, तो एनीवन कैन डिफीट एनीवन. इसका मतलब टीयर डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑल कि उस दिन गेम कैसा चलता है, मैप कौन सी प्रेफरेंस आती है और परफॉर्मेंस एक फॉर्म होता है ना कि आज किस्मत चल रही है. ऑन द डे एनी टीम कैन विन दिस, तो 30 तारीख को जिसका दिन होगा वो जीते. बट आपका पहला मैच जो होने वाला है वो सिग्निफाइज होने वाला है, उसकी क्या तैयारी है? वी हैव आवर प्लान्स. हम लोग कोई टीम को देख के काउंटर करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग का गेम स्टाइल बिल्ड कर रहे हैं. वी आर बिल्डिंग यू नो सब टीम्स को कैसे हारे. ये जो ईस्ट इंडिया प्रीमियरशिप समर सीजन का लैंस प्लान है, इसके रिजल्ट कितना इफेक्ट करेंगे टीम के प्लान्स के साथ? अगर ग्रोथ दिख रहा है टीम में, इफ वी सी व्हाट वी हैव वर्कड ऑन एज वर्कड आउट, देन आई एम श्योर वील डू वेल एट द लैन. बट आई डोंट थिंक एक लैन इवेंट के से कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा. 2018 में HellrangeR ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी इंटरव्यू में कि इस टूर्नामेंट में मैं MVP भी बनूंगा. हाँ, और सबसे ज़्यादा मतलब MVP ट्रॉफी तो मेरी और किल्स भी मेरी साल तो होंगी, और हुआ. इस बार भी वही जुनून है? ऑफकोर्स, बट इस बार स्टेटमेंट दोगे? इस बार स्टेटमेंट मैं जीतने के लिए दूंगा बिकॉज लास्ट टाइम मेरा प्रायोरिटी जीतना भी था एट द सेम टाइम. हाँ ऑफकोर्स, बिकॉज हो जाती है, सब लोगों से गलती हो जाती है, तो माफ़ कर दिया मैंने उनको जिनसे गलती हुई. बट एट द सेम टाइम मेरा पॉइंट था प्रूव करना है कि यू नो इफ आई प्ले माई गेम आई कैन ईजिली बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द सर्वर. सो देयर वाज अ टाइम जब HellrangeR सिमर एक्सकाली मित्रा से दोस्त थे, अब यहाँ पे लड़ने वाले लैन फाइनल में कैसा लगेगा एंटिटी के अगेंस्ट खेलने में? बस है तो सी बात, तो देखो देखो आप कितना भी डिप्लोमैट बनो. नहीं मैं जब यहाँ पे बाहर आया सिमर मुझे दिखा और भागता हुआ आके मुझे गले मिल गया. देखो दुश्मनी इन गेम एक बात अलग होती है पर आउट ऑफ द गेम हम लोग कभी दुश्मन नहीं, क्योंकि सब अच्छे दोस्त हैं. हम लोग जो थे टीममेट, अगर हम एक साथ से थे तो सब अच्छे दोस्त हैं. दोस्ती अपनी तरफ से गेमिंग हम करते हैं. अगर कल वो मेरे सामने सर्वर में बैठते हैं उन लोग के नाम मैटर नहीं करते, मेरी टीम के नाम मैटर करते हैं. हम जितना चाहिए वो मैटर करते हैं, चाहे नाम हमारे तरह से हो या सिमर हो या एक्सकाली हो, मारना तो उनको है. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड बेस्ट ऑफ लक. ये थे हमारे Bhavin Kotwani एंड आई विल बैक. अभी भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं सो कीप वॉचिंग.